आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर अपराधियों पर लगातार पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 15 में बुजुर्ग महिला की हत्या का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया। पकड़ा गया अभियुक्त पेंटर का कार्यकर्ता था। वो महिला के यहाँ कुछ महीने पहले कार्य करके चला गया था, लेकिन महिला को अपने घर की साज सज्जा के लिए दोबारा से पुताई का कार्य करवाने की जरूरत महसूस हुई तो उसने पेंटर को घर पर बुलाया। इस दौरान पेंटर ने मौके का फायदा उठाकर महिला के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश की। उसी दौरान बुजुर्ग महिला की नज़र आरोपी पे पड़ी तो उसने डांटा। आरोपी के द्वारा गले में पर्दे से घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्षेत्र में ये घटना 27 तारीख की घटित हुई थी, जिसमें 28 तारीख को एक मुकदमा IPC 302 में कायम हुआ था। सेक्टर 15 में रहने वाली एक ओल्ड लेडी, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उनका ये मर्डर हुआ था। इस घटना को सफलतापूर्वक सेक्टर 15 पुलिस की टीम ने और कुछ पब्लिक के लोगों की मदद से हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया है। और एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम राजेश है, मूलतः बिहार का रहने वाला है और ये पहले से ही जो मृतक महिला है उसका परिचित है, वो पेंटर का काम करता है। और उस दिन इसने घर पे पहुंच के और 70 ईयर्स की वो लेडी हैं, उनको कपड़े से गला दबाकर मुँह दबाकर मारा और वहाँ से 1500 रुपये कैश और एक सोने की चेन और एक टीवी और कुछ और सामान लेकर भी निकल गया था। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने रिकवर कर ली हैं, इसको सक्सेसफुली वर्कआउट हम लोगों ने कर लिया है। और इसमें इसको वर्कआउट करने वाली टीम के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा ने 50,000 का इनाम दिया।